तो हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू, और ये आज तक का हमारा सबसे लेट स्टार्ट होने वाला व्लॉग है। आई थिंक इससे लेट आज तक हमने कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि ये व्लॉग इसलिए लेट हो गया था क्योंकि हमारे एक फ्रेंड है जो कि गांव से आए थे, तो उन्हें आने में काफ़ी लेट हो गया। और आज हमारा प्लान है वैसे एग्जीबिशन जाने का, और मैं अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ आपको। तो ये है हमारे शान आलम भाई, और ये जो हमारे थे गिफ्ट, ये दो बोच लाए थे, एक बोच ये हमारे लिए और जो एक बोच इसके लिए लाए हैं, ओएस के लिए। बाकी जो हम अरदास तो नहीं हुई है, और जो हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी थी ऑलरेडी। लाओ मेरी मुझे दे तो भाई, मैं डाल लेता हूँ अपनी वॉच। बाकी वैसे रेडी तो हो चुके हैं सब, और अब निकलते हैं एग्जीबिशन के लिए। और बाकी लॉकडाउन भी है, 10 बजे के बाद बंद हो जाता है, और साफ तो एटलीस्ट इधर ही हो गए। तो बाकी मैं भी तैयार हो चुका हूँ, और ये सारे लोग भी तैयार हो चुके हैं। ये भाई भी हमारे टिल्लू, और इधर अहमद भाई भी, और हमारे अरबाज भाई भी। तो अभी पहले जाए एटीएम से कुछ पैसे निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद चलते हैं। अहमद भाई के पास एक सीक्रेट पॉकेट इनकी मतलब सीक्रेट तो नहीं है, भारी है, होती है, सेफ्टी बहुत है इसमें। तो अब बैठने लगे हम रिक्शा, और मैं बैठूंगा आगे। अरे आगे बैठूं क्या, मैं आगे बैठता हूँ ना मैं। एक जो है बहुत खतरनाक पोपट हो गया, मतलब खतरनाक नहीं कह सकते, पोपट ये हुआ है। हमें जाना था नुमाइश ग्राउंड, बट अभी जो है जिस ब्रिज पे हम चल रहे हैं यहाँ पे अलाउ नहीं था आने का, पैदल आ सकते हैं, बाकी रिक्शा वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। तो अब जो है बस चल दिए हैं ऐसे पैदल। अब आ चुके हैं हम नुमाइश ग्राउंड में, और बाकी इसका एंट्री गेट इधर ही है, और यहीं से एंट्री लेनी है, और चलते हैं फिर। तो अभी आ चुके हैं वैसे हम नुमाइश ग्राउंड में, और एंट्री तो कर दी है, अभी देखते हैं, और बाकी इंजॉय लेना। इन्होंने जो है स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हमारे सामने भी एक ऐसे ही गेट है जैसा कि हमने पहले एंट्रेंस किया था, जहाँ से एंट्री ली थी, और उसी तरीके से एक सामने भी गेट है, और नुमाइश जो है वैसे यहाँ की काफ़ी बड़ी होती है। तो अभी हम जाने लगे हैं इधर वाली साइड में, और इधर देखते हैं। पहले अरबाज भाई का कहना है कि पहले क्या ऑब्जर्वेशन देखा जाए। ऑब्जर्वेशन व्हील, तो पहले जो है ऑब्जर्वेशन व्हील पे बैठते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं। और बाकी ये दोनों तो अपनी धुन में अलग ही हैं भाई, इनका कुछ नहीं, इन लोगों का तो इरादा भी नहीं है ऑब्जर्वेशन व्हील में बैठने का मुझे भी ऐसे ही लग रहा है यार, लगता भाई बहुत। और फिर पहले यहाँ पे सॉफ्टी वगैरह खाते हैं, और फिर उसके बाद घूमते हैं। और बाकी शोर शराबा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अभी चलते हैं अंदर, क्योंकि बाहर तो बहुत आवाज़ आ रही है। मस्त सॉफ्टी खाते हैं। बाकी यहाँ पे शोर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लिटरली बोल नहीं पा रहा हूँ उसमें, और अभी भी मैं माइक लगा कर थोड़ा शूट कर रहा हूँ, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बैक में नॉइज़ जो है ना वो एक एक्सट्रीम लेवल की आ रही है। चलो भाई, चल रहे हैं, चलो भाई। और फिर मुझे दो दो फोन जो है होल्ड करने पड़ रहे हैं, एक तो कैमरा से तो यहाँ पे शूटिंग कर ही नहीं सकते थे क्योंकि पॉसिबल था ही नहीं। तो अभी जो है हमारा प्लान हो रहा है इसमें बैठने का, एक क्रोकोडाइल जो होता है, और बाकी मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता क्या है, वो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और उसको मैं पिन कर दूंगा वैसे। और बाकी इसमें क्रोकोडाइल में जो है अभी बैठने का प्लान है हमारा, और बाकी इन तीनों की फट रही है भाई। मैं तो भाई बैठता ही नहीं हूँ, आज तक नहीं बैठा हूँ इन चीज़ों में, तो अभी शायद से मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा। तुझे कोई कैमरे के साथ उड़ा के ले जा कोई ठंड हो गया। तो फिर करते हैं एंट्री, और बाकी टिकट तो ले लिया है। अरे मैं सोचूं भाई, मुझे सबसे ज्यादा डर मुझे लग रहा है, और उसके बाद शान आलम को, और सबसे कम इस आदमी को लग रहा है, अरबाज को लग रहा है सबसे कम। तो चलते हैं फिर अंदर,
और बाकी मुझे बीच में सीट मिल जाए, मुझे कोई इतना इशू नहीं है उसका। मैं तो भाई बीच में बैठने के लिए रेडी हूँ बिल्कुल। बीच में बैठे नाप के बिल्कुल बीच में बैठा हूँ एकदम यहाँ पे, और ऊपर मुझे बैठने का कोई वो नहीं है। और बाकी अहमद भाई और अरबाज भाई जो है वहाँ पे बैठ गए भाई, हमारा कोई हिसाब नहीं है यार। ऊपर सवाल लगाएंगे अभी आने वाले नीचे, अभी देख लेते हैं क्या होता है क्या। भाई यहीं बैठना बहुत बेहतर है मुझे तो। बाकी हम लोग तो बैठे हैं बिल्कुल यहाँ मिडल में, और बाकी अहमद भाई और वो ऊपर बैठे हैं बिल्कुल टॉप पे, क्योंकि हमारे हिसाब का तो बिल्कुल भी नहीं था। तो आप कोशिश करेंगे नीचे बैठने की, और बाकी यहाँ से कुछ इमेजिन करते हैं। और वो चले गए उधर वहाँ पे भाई अपने बस का, वहाँ पे बिल्कुल भी बैठना नहीं। और बाकी साउंड बहुत और लगा भाई, अभी पता नहीं कितनी हाइट पे जाऊँगा, और मुझे मेरी हालत अभी तक खराब है। अहमद गया भाई, अभी तो कुछ नहीं था, अभी आप मुझे चक्कर आने की हो गया भाई मेरी को। अरे भाई हम मुझे पकड़ ले, ये जो धुन सुनी है आपने ये थी शान आलम की आवाज में। बाकी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो आगे देखते हैं फिर। Love, just let me go, 'cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on. I don't wanna feel the same, so love, just let me go. बाकी क्रोकोडाइल में बैठने के बाद जो है ना पूरी तरीके से मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई। बाकी अरबाज भाई और अहमद भाई को तो ऐसा बिल्कुल चिल कर रहे थे दोनों, और आपने देखा जैसे बिल्कुल टॉप पे थे। हम तो फिर भी जो है मिडल में थे, लेकिन फिर भी हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था शान आलम और मैं। एक बार तो ऐसा था बस गए खत्म काम खत्म, गले लगा रहे थे गले। हाँ, बाकी वो सीन जो आपको दिखाने लायक नहीं था जो हमारी हालत हुई पड़ी थी। तो अब चलते हैं फिर, तो अब चलते हैं फिर डेथ वेल की तरफ। तो टिकट तो ले चुके हैं हम। तो गाइज अभी तो हम लोग जो है आए हुए हैं डेथ वेल के अंदर, और अभी कुछ बाइक्स वगैरह वहाँ पे हैं और कार वगैरह भी। अभी तक तो हुआ था बाइक्स का, और अब होना स्टार्ट हो गया कारों का। तो अभी वैसा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम। अभी डेथ वेल का तो हमारा सीन हो चुका है कंप्लीट, और अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो बाकी डेथ वेल का शो तो हो चुका हमारा फिनिश। बाकी अब हम लोग जा रहे हैं आर्ट गैलरी की तरफ, वहाँ पर कुछ आर्ट वर्क होगा और कुछ स्केच वगैरह होंगे, तो देखते हैं फिर चल के। तो अब आ चुके हैं हम आर्ट्स गैलरी में, और बाकी एंट्रेंस है इसका इधर साइड में। चलते हैं फिर अंदर, और मैं आपको आर्ट्स भी दिखाता हूँ। बाकी काफ़ी आर्ट्स वर्क काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पर। तो बाकी अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारा आर्ट वर्क कैरी मिनाटी का भी है यार। तो सस्ता कबीर सिंह भी तो है साइड में। सस्ता कबीर सिंह भुवन बाम का भी है, और यहाँ पे रोनाल्डो का भी इधर स्केच है, हार्डी सिंधु का है, और उधर रणबीर सिंह। तो अब जाने लगे हैं हम कोहिनूर मंच की तरफ, और देख लेते हैं कौन वहाँ पे सिंगर है या डांसर कोई भी आया हुआ है। बाकी सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं वहाँ पे। तो अब फिलहाल हम आ चुके हैं वैसा कोहिनूर मंच पे, और यहाँ पे अंदर चलते हैं एंट्री लेते हैं फिर। और उधर तो हमें पूरा बिल्कुल बोर ही कर रहे हैं वो, और इधर ले लिया इन्होंने मजा। बाकी यहाँ पे जो है ना कोहिनूर मंच में तो बिल्कुल पूरी तरीके से बोर कर दिया है। और बाकी हमारे आने से एक दिन पहले जो है काका आया था, तो उस टाइम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया था, और बाकी फिर भी इन लोगों ने काफी मजे ले लिए। तो अभी आए हम टेस्ट ऑफ अलीगढ़ में, और यहाँ जो है काफी सारी चीजें हैं, तो कुछ खाते पीते हैं यहाँ से। तो अब हम ट्राई करने लगे हैं गोलगप्पे, और ट्राई करते हैं और देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है वैसे। हाँ भाई शान आलम टेस्ट बताएं भाई, क्या कह रहे हो? अभी खाने ही नहीं दिया पहले टेस्ट पहले। अरबाज भाई इनका बढ़िया टेस्ट है एकदम औसम। अभी चार हो रहे हैं, उन्हें और देख लेते हैं फिर बताते हैं। ये अहमद भाई तो हट ही नहीं रहे हैं।
बारह खत्म हो गया, और ले लो यार। तो चाय आ चुकी है हमारे हाथ में, और बाकी अहमद भाई साहब पूछते हैं चाय का टेस्ट कैसा भाई। भाई वही अपना तो एक कप चाय, आए हाय आए हाय। जी शाने आलम भाई आप भी बता दें, तुमसे भी पूछना चाहता हूँ वैसे। कुछ स्पेशल है भाई। अच्छा क्या स्पेशल, मतलब चाय स्पेशल कहना चाहते हैं? जी जी इरशाद इरशाद इरशाद। अगर ये चाय ना होती अहमद तो हम पक्का शराबी होते। ओ गंदा सारी निरी। My heart is always with you, my head's always stuck in time. Love, let me go, cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong, now you just gotta let me go. Time, wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape, can you let them... तो बाकी जो है खा पी तो लिया यहाँ पे, और बारिश होना भी अब शुरू हो गई है, और सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है वैसे, जो भी खाने पीने की है यहीं पे। अब चलते हैं फिर और चेकआउट करते हैं, बाकी अहमद भाई और इधर हैं, तो बाकी ये इसका एग्जिट गेट भी है, तो चलते हैं फिर। तो बाकी वैसे हम अभी एग्जिट करने वाले थे, लेकिन फिर बाद में ख्याल आया कि अभी पहले हमें बोटिंग करनी है, तो फिर पहले करते हैं बोटिंग और आपको भी दिखाते हैं, एंजॉय करते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है वैसे, मेरा ही फर्स्ट टाइम है, सबका फर्स्ट टाइम आई थिंक। तो अभी मैं, अहमद भाई और शाने आलम भाई, अरबाज भाई, मतलब तो चारों लोग हम जो है पहले बोटिंग करते हैं। क्यों भाई शाने आलम भाई, बोटिंग करनी है? बोटिंग करने के लिए भाई। तो चलो फिर बोटिंग करते हैं और देखते हैं, बाकी इतना बड़ा नहीं है उधर, बस लास्ट में उधर है वहाँ तक, तो देखते हैं फिर। तो अब जाने लगे हम बोटिंग में, और आई थिंक ये चार बंदों का है। स्टेयर साहब भाई, स्टेयर स्टेयर से आ जाओ भाई, इधर से आ जाओ ना। तो बाकी अहमद भाई और शाने आलम उसमें बैठे हैं, और हम लोग बैठेंगे इसमें। अहमद भाई और शाने आलम भाई तो जा चुके हैं, तो अब जो है हमारा भी टर्न आ गया, और मजा जो है काफी आ रहा है वैसे, तो काफी मजे ले रहे हैं। और अभी वो पीछे ही आ रहे हैं उधर, अभी तो कहाँ है भाई, अरे उधर साइड, वो लोग उधर साइड में चले गए और हम लोग अब आ गए इधर साइड में। और बाकी अरबाज भाई बताओ कितना मजा आ रहा है यार, हम फंस चुके हैं आगे जो है उधर टकरा रही है बार बार, और अब हमने जो है रिवर्स लेना शुरू कर दिया है, और ये पता नहीं किधर जा रहे हैं। ओ भाई ठुक जाएगी यार, टक्कर कर दिए इन लोगों ने। बैग ले लो फिर भाई, हम तो उधर से लाएंगे टर्न। फिलहाल स्पीड हमारी हो गई है 60 किलोमीटर पर आवर। फिलहाल ये लो तो, अरे आओ चलो वैसे इधर पे ले लो, अब चलाओ कराओ। हम भी फंस चुके हैं, और वो शाने आलम और हमारी तो हो गई सीधी भाई बोट। भाई हमने सीधी कर लिया, इधर आगे की तरफ टर्न ले लिया है, की बोट वहाँ पे फंस गई है, निकल ही नहीं रहे यार वहाँ से, और इधर से भी कुछ बोट्स आ रही हैं। बस एक चीज का डर रहता है टकराव नहीं हो, क्योंकि हमारी जो बोट है ना वो गलत डायरेक्शन की है, यानी एक ही डायरेक्शन में जा रही है बस। जब इसको इधर कर रहे हैं तब इधर, भाई धीरे धीरे चल रहे हैं, टाइम पूरा हो जाएगा फिर। बहुत ज्यादा मजा आया, और अहमद और शाने आलम जो है स्कैम कर रहे हैं, वो लोग जो है ना आधा टर्न इधर से लिया, फिर इधर से, और फिर वापस उधर ही चले गए, और कहाँ है वो अभी। वो दोनों स्कैम कर रहे हैं इनके साथ, सिक्योरिटी वाला बंदा भी उनसे दो बार बोल चुका है, बोले आजा भाई आजा। बाकी मजा बहुत आया यार, अहमद और शाने आलम भी आ चुके हैं। तो अभी आ चुके हैं हम बाहर, और फिर चलते हैं रूम पे, बाकी काफी एंजॉय किया, और फिर बातें करते हैं रूम पे पहुंच के। तो अभी रिक्शे में बैठते हैं फिर जल्दी। तो अब आ चुके हैं वैसे हम रूम पे, और बाकी काफी इंजॉय किया, लेकिन एक जगह मेरी काफी हालत खराब हो गई थी, और शाने आलम की भी मेरे साथ में, जो कि हम क्रोकोडाइल में बैठे थे ना, तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं था, बस जैसे ही उसने अपना टर्निंग पूरा लिया ना, तो फिर उसके बाद तो भाई मतलब नेक्स्ट लेवल हालत खराब थी, कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। बाकी शाने आलम से पूछते हैं उसका क्या कहना है इस बारे में।
जी शाने आलम भाई बताएं। भाई मैं अब तक शौक हूँ भैया, मुझसे मत बोलना आज के बाद उसमें बैठने के लिए, कुछ भी बोलते हैं ना उसमें बैठने के लिए। बाकी बहुत एंजॉय किया हूँ और सब। और बाकी अहमद भाई फुल एंजॉय लिया भाई आज, बहुत एंजॉय आया जी। अरबाज भाई मजा तो बहुत आया भाई, सबसे एंजॉयिंग पार्ट था जब तुम लोग आपस में लिपटे हुए थे और सामने जो लड़की आती तुम पे हंस रही थी बहुत ज्यादा। हम लोग ऊपर ही था देख रहे, बहुत मजा, सबसे एंजॉयिंग पार्ट तो वही था। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।